हेलो गाइस, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और जल्दी से एक बार लाइव जुड़ जाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग। और आज मैं आप लोग को मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आइए और फिर मैं क्लास को आज आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन होंगे, ये स्पेशल क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में कई बार होता है, पूछ लेता है। इसको हम लोग विविध क्वेश्चन भी बोलते हैं, मिसलेनियस भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सबके लिए। तो एक बार मैं इंतजार कर लेता हूँ सभी बच्चों का, और जल्दी से फिर आ जाएं आप लोग लाइव और मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बच्चे, तो ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो और यहीं से शुरू करेंगे। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी को आगे लेके चलते हैं। और साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे YouTube में क्लासेस हमारी करते हैं वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे वो तैयारी कर सकते हैं। उनको रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो मिल जाएगा और साल भर की आपको वैलिडिटी भी मिलेगी। तो चलो बच्चे, तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैंने बोल दिया है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया है। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कुछ अप्रोचेस को आप सीखेंगे, इसको हम लोग विविध प्रश्नावली भी बोलते हैं, तो आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलो, चलिए तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। पहले ये बता दो, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग का। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब उसमें कुछ स्लो तो है आज थोड़ा। अभी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है? अभी रजनी जल्दी से बताइए, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है? ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे, सीधा सा क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु को 2760 रुपए में बेचने पर, ठीक है, हुई हानि उसी वस्तु को 2960 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। तो आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक अप्रोच से हम लोग करेंगे, और इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड हैं, तो दोनों मेथड्स को आप देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन ने बोला है कि किसी वस्तु को 2760 रुपए में अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या होता है बच्चे, हानि होता है। सबसे पहली बात, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को कितने रुपए में आपने बेच दिया बच्चे, 2760 रुपए में, कितने बेच दिया, 2760 रुपए में बेचते हैं, तो आपको क्या होता है बच्चे, हानि होता है, लॉस होता है। तो ये बताइए, अगर आप 2760 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका खरीदने का मूल्य क्या होगा बच्चे, अधिक होगा। जब आप ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा बच्चे, लॉस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, आप यदि 2760 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है बच्चे, हानि होता है। क्या होता है बच्चे, हानि होता है, यही बोलना चाह रहे यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ने बोला है, यदि आप 2760 रुपए में वस्तु को बेचते हैं तो आपको जितने की हानि होती है उसी वस्तु को अगर आप 2960 रुपए में बेचें, अगर आप उसी वस्तु को आप कितने में बेचें बच्चे, 2960 रुपए में, अगर आप उसी वस्तु को आप कितने में बेचे बच्चे, 2960 रुपए में बेचते हैं, उसी वस्तु को आप 2960 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है बच्चे, लाभ होता है। क्या होता है बच्चे, लाभ होता है। तो क्वेश्चन बोला है, यदि आप किसी वस्तु को 2760 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। अगर आप उसी वस्तु को 2960 रुपए में बेचते हैं, आप उसी वस्तु को 2960 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में बोला है। और इसका जो लॉस होता है वो बच्चे किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। क्वेश्चन में यही कहा है कि जो आपका लॉस होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहा है, जो क्वेश्चन बोला है मैंने आपको सबसे पहले ये बताया। अब इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है वो बहुत ही बेसिक से अप्रोच रहेगा, आइए मैं उसी बात पर चलूंगा। तो इस क्वेश्चन को कराने के पहले
मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये बताइए, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है उतना ही बच्चे प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन ने बोला है, जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के एक सिंपल सा अप्रोच ये है कि आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कीजिए, एक टाइम लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नंबर लाइन आपने सुना होगा, नंबर लाइन में होता क्या है, जैसे अगर आपने इस तरीके की एक्सिस पढ़ी होगी तो आप इसको क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। अभी आपको लग रहा होगा सर आप क्या पढ़ाने लगे, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये 1 नंबर होता था, यहाँ 2 होता था, ये 3 होता था, फिर कितना जाता था, 4 जाता था, फिर कितना होता था, 5 होता था। तो यहाँ पे नंबर क्या होता था बच्चे आपका, इंक्रीज होता था। नंबर क्या होता था बच्चे आपका, इंक्रीज होता था, ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये बच्चे नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये बात तो आपको सबको पता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं इसको एक लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो आप ध्यान से समझना, अगर मैं कितने रुपए में बेचता हूँ, 2760 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है बच्चे, हानि होता है, ये बात आपको पता था। तो जब आपको हानि होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य खरीदी मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो आपको निश्चित रूप से हानि होती है। तो मतलब आपका कॉस्ट प्राइस बच्चे ज्यादा होगा, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को इधर लिख दिया, और आप बेच कितने में रहे थे बच्चे ये बताइए, तो आपका विक्रय मूल्य कितना था, 2760 रुपये। तो 2760 रुपये कम होगा, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लिखा और राइट साइड में मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा। तो यदि आप 2760 रुपये में बेचते हैं तो आप कम में बेच रहे हैं, निश्चित रूप से आप कम में बेच रहे हैं, तो कम में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है बच्चे, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, लॉस होता है। तो 2760 रुपये में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, हानि होता है, मतलब आप कम में बेच रहे हैं, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा इसलिए मैंने इसको राइट साइड में लिखा है, यहाँ साइड ये इंक्रीज करता है, ये बात आपको पता होगा नंबर लाइन में, इसलिए मैंने राइट साइड में क्या लिखा बच्चे, कॉस्ट प्राइस लिखा। तो आपको ये क्या हो गया, हानि हो गया। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर आपने कितने में बेचा बच्चे, 2960 रुपये में बेचा, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब आपका जो नया विक्रय मूल्य है बच्चे वो कितना है, 2960 रुपये है। तो अगर आपको अब 2960 रुपये में बेचने पे आपको फायदा होता है, तो फायदा होता है मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, और आप कितने में बेच रहे हैं बच्चे, 2960 रुपये में, मतलब आपका क्रय मूल्य से ये ज्यादा होगा, तभी आपको लाभ होगा। और क्वेश्चन में कहा है कि आपका जो हानि होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, लॉस के बराबर होता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बातचीत क्लियर हुई, तो एक तरह से लॉस होता क्या है बच्चे, लॉस क्या होता है, डिफरेंस होता है बच्चे, जो लॉस होता है वो होता क्या है बच्चे, लॉस जो होता है वो डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, और जो प्रॉफिट होता है बच्चे वो भी क्या होता है बच्चे, अंतर होता है विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा होता है ये पता है प्रॉफिट में, आपका सेलिंग प्राइस बच्चे क्या होता है, बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस में बच्चे आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रॉफिट किसके बराबर है बच्चे, लॉस के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रॉफिट अगर लॉस के बराबर है तो एक तरह से दोनों का डिफरेंस है सीपी और एसपी का। तो मैं अगर आपसे कहूँ ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा यही क्या होगा बच्चे, लॉस होगा। ये डिफरेंस अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये डिफरेंस भी कितना होगा बच्चे, ये वाला डिफरेंस क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। न्यू एसपी में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस बराबर क्या है बच्चे, प्रॉफिट है। तो ये अगर एक्स का डिफरेंस है तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस होगा, एक्स का। तो आप मुझे इतना बताइए कि इस एसपी पे और न्यू एसपी पे कितने का डिफरेंस होगा, कितने का अंतर होगा। तो सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस पे कितने का डिफरेंस होगा, 2960 में से अगर आप 2760, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या 2 है, तो इस 5 और 2 में डिफरेंस कितने का होगा। तो आप बोलेंगे सर इस 5 में से 2 घटा दो, तो सर कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। नंबर लाइन में ऐसे ही होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप 2960 में से अगर 2760 को घटाएंगे तो ये बच्चे डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, क्लियर है कि नहीं है, डिस्टेंस। तो आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बेसिक तरीके पे आऊँ तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए बस बनाया था आप लोगों के लिए, ये आपको बनाना नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए बस बताया था, और ताकि मैं कंसेप्ट अभी आपके दिमाग में दे सकूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे 2960 आपका क्या है बच्चे, ये नया विक्रय मूल्य है, और पुराना विक्रय मूल्य कितना था, 2760 था। अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का मतलब दूरी पता चलता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, क्लियर है। और ये जो दूरी होगा, दूरी मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। ये कितने के बराबर, ये एक्स था, तो ये वाला भी कितना था बच्चे, एक्स था, दोनों बराबर बराबर थे, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, 2x हो जाएगा। और ये डिफरेंस कितना है बच्चे, 200 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो 2x है वो कितने के बराबर है, 200 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है, और x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, 100 आ गई है। तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, 100 आ गई है। अब आपको निकालना क्या था बच्चे, क्रय मूल्य निकालना था। तो देखिए आप इस वाले विक्रय मूल्य का यूज करके भी सीपी निकाल सकते हैं, और इस वाले विक्रय मूल्य का भी यूज करके सीपी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको पता है कि आपको लॉस हो रहा था यदि आप 2760 रुपए में बेचते थे, मतलब आपका 2760 रुपए में से 100 रुपया अधिक में खरीदे होंगे तभी आपको लॉस हो रहा था। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2760 में से ये जो डिफरेंस था उसको आप जोड़ दीजिए 100 का जो अंतर था, तो आपने खरीदा कितने में होगा बच्चे, 2860 रुपए में, तभी जाके आप 2760 में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 2860 रुपया, ये जवाब हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बच्चे कम होगा, तभी तो आप 2960 में बेच रहे थे तो आपको 100 रुपए का लाभ हो रहा था। आपका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 2960 में से आप कितना माइनस कर देते, 100 को माइनस कर देते तो भी बच्चे आपका कितना आ जाता, 2860। तो चाहे आप इसका यूज कीजिए चाहे आप इसका यूज कीजिए, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ये एकदम बेसिक अप्रोच मैंने बताया है विद कंसेप्ट। आप लोग पहले इतना बताइए, आप सब लोग को ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरीके का इस्तेमाल मैं अभी करूंगा क्वेश्चन को और आगे करने में। पहले बताइए ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, आप लोग ये बताइए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कायदे से करना क्या था बच्चे, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो ये आपका डिफरेंस पता चल जाता है दोनों का, और वो डिफरेंस ही क्या है बच्चे, लॉस और प्रॉफिट है। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करवाता हूँ ताकि और आपका दिमाग खुले। तो अब आप हम लोग डायरेक्ट ये टाइम लाइन को ड्रॉ करेंगे, सर इसमें 2760 प्लस 2960 करके। हाँ बच्चे, अभी बिल्कुल वो कर सकते थे कि अभी जो बोल रहे हैं कि सर दोनों को जोड़ के बटे दो कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा बच्चे। इस क्वेश्चन में इसलिए हो जाता ना, नहीं ये ठीक था, ऐसा क्यों होता है मैं बताइए, तुक्का उक्का नहीं है बच्चे, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो आपने सवाल पूछा ना ये भी तरीका है। लेकिन ये कब होगा, इसके लिए भी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि दोनों के बीच में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा, तभी आप वो मेथड कर सकते हैं। तो एक और मेथड बता देता हूँ जो अभी बोल रहे हैं, उस तरीके से भी करवा देता हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट यही है, तो उस लॉजिक को भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, तो अभी ने जिस तरीके से बोला है ना उस तरीके से भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखो तो वो तरीका क्या है, एक्चुअली वो एक समांतर श्रेणी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे मान लीजिए तीन संख्या है, एक ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। अगर इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर बराबर हुआ, जैसे ए और बी के बीच का जो अंतर होगा वही अंतर अगर बी और सी के बीच में होगा, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो अगर आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे, ये बात पता होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर बटे दो कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा बी का। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ते भी हैं और नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे दो कर देंगे तो बच्चे बीच वाली संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे भी इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये वाला लॉजिक लगाते हैं ये मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 2760। जब आप इतने में बेचते हैं तो आपको लॉस होता है, तो आप कुछ अधिक कीमत पे खरीदे होंगे तभी आपको लॉस हुआ है, और आप जब 2960 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप कुछ कीमत पे खरीद के 2960 रुपए में बेचे होंगे। तो जितने का लॉस हो रहा है उतने का ही प्रॉफिट है, मतलब ये भी जितना है ये भी उतना ही है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर सेम है। तो जब अंतर सेम होता है, अंतर सेम कब होगा, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे सीपी निकालने के लिए इसको और इसको, ये हो गया बड़ा पद और ये हो गया छोटा पद, इन दोनों को जोड़कर बटे दो कर देते तो 2760 को और किसको बच्चे, 2960 को हम जोड़ते और बटे दो कर देते तो भी हमारा जवाब आ जाता 2860। तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी का कंसेप्ट बोलते हैं, जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होगा तभी ये कंसेप्ट काम आएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, इसी तरीके से बोल रहे थे ना। ठीक है, तो जब ये बच्चे आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है ना तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। कौन कौन है बच्चा लाइव, एक बात बताओ समझ में आया उसको कि नहीं आया, रजनी बच्चे क्लियर है, रजनी क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये उनमें लगेगा जहां पे प्रॉफिट और लॉस बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बच्चे आप सबके सामने है, एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और फिर करेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमने अभी तक तो सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा ही है, अब आइए ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को आप 1175 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि के 15 गुना के बराबर है। तो सबसे पहले समझिएगा कि आप वस्तु को कितने में बेचते हैं, 1175 रुपए में, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो मतलब अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ लिख लेते हैं और कॉस्ट प्राइस आपका छोटा होगा, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस को क्या लिख लिया, इधर लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, जब आप 1175 रुपए में बेचते हैं ना तो आपको लाभ होता है, और उसी वस्तु को जब आप 375 रुपए में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, हानि होता है। तो हानि होता है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बीच में क्या लिख लेता हूँ बच्चे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, ठीक है, बीच में कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ। और जब मैं इस कीमत पे बेचूंगा, कम में बेचूंगा, तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। और मैं कितने में बेच रहा था बच्चे ये बताओ, जब मैं 375 रुपए में बेचता हूँ तो मेरे को क्या होता है, हानि होता है। तो हानि मेरे को कब होता है, जब मेरा क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं कम में बेच रहा हूँ, कम में बेचूंगा तो निश्चित रूप से मुझे क्या होगा, लॉस होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जब मैं अधिक में बेचता हूँ, मतलब 1175 रुपए में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसपी, विक्रय मूल्य, यहाँ पे एसपी वन है, ठीक है, और ये एसपी टू है, और मैं कितने में बेच रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 1175 रुपए में। तो मैंने 1175 रुपए में बेच दिया तो मेरे को क्या हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि अगर आप कम में बेचेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा और अधिक में बेचेंगे तो फायदा होगा। तो किसी वस्तु को 1175 रुपए में बेचते हैं तो हमको क्या होता है, लाभ होता है, और उसी वस्तु को 375 रुपए में बेचते हैं तो हमको क्या होता है, हानि होता है, और वो हानि के कितने गुना के बराबर होता है, 15 गुना के बराबर, हानि के 15 गुना के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो हानि अगर मान लीजिए एक्स हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, एक्स का हो रहा है, तो लाभ कितने का होगा बच्चे, 15x का होगा, 15 गुना होगा, तो हानि के 15 गुना के बराबर आपको लाभ होता है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि हम 20% के प्रॉफिट पर बेचें। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, यदि आप कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहे हो, 20% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि आप 20% के लाभ पर बेचना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा, तभी तो आप यहाँ पे 20% का प्रॉफिट में बेचकर आप विक्रय मूल्य बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य पहले कॉस्ट प्राइस निकालना, जब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका वो अर्थमेटिक वाला ट्रिक नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या 15x बराबर बराबर होना चाहिए, तो हम अपने बेसिक कंसेप्ट पे ही चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का अंतर। तो 1175 और 375 के बीच में डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, और 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 800 का डिफरेंस हो गया। और अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ से बच्चे ये वाला कितना दूरी था बच्चे, x था, और ये वाला कितना है, 15x है। तो ये अगर x है और ये 15x है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का, 15x प्लस x कितना हो जाएगा, 16x। तो आप कह सकते हैं कि 16x आपका कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंच 80 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो x का मान अगर आपको 50 पता चल चुका है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको लॉस कितने का हो रहा है बच्चे, 50 का हो रहा है। तो और आप प्रॉफिट भी बता सकते हैं, तो प्रॉफिट के लिए 50 गुणे 15 कर देंगे तो 15 × 5 = 75 होता है, तो 750 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि आपका खरीदी मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आप जब आप 375 रुपए में बेच रहे थे तो आपको नुकसान हो रहा था 50 रुपया का, तो आप खरीदे कितने का होंगे, तो आप खरीदे अधिक में होंगे, तो 375 में से आप कितने रुपया ज्यादा में खरीदे थे, 50 रुपया, क्योंकि 50 की आपको हानि हो रही थी। तो आप खरीदे कितने का थे बच्चे, ये 5 हो गया, 7 × 5 = 12 हो गया, और 425। तो 425 रुपये आपका खरीदी मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता, खरीदी मूल्य पूछता, क्रय मूल्य पूछता, तो आपका जवाब आ जाता, लेकिन क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है। आपसे पूछा था कि यदि आपको 20% का फायदा कमाना है तो आप कितने में बेचेंगे, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 425 है, और आप इसमें कितने परसेंट का फायदा कमाना चाहते हैं, 20% का फायदा कमाना चाहते हैं। तो 20% का फायदा अगर आप कमाएंगे तो ये बताइए कितने का आपका विक्रय मूल्य होगा।
तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको पता है कि आप क्रय मूल्य का कितने परसेंट में बेचेंगे, 20% का फायदा कमाने के लिए 120% में बेचेंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपने निकाल ही लिया है 420, और 120% का मतलब होता है क्या, 20 छिक्के और ये 20 पंचे, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5/8 = 40, 5/5 = 25, 6/5 = 30 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 = 30 हो जाएगा, और 3 और 6 = 48, और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 48, और 1 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 510 रुपये। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, 510 रुपये। ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप बेहतर वे में आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, क्या बच्चों इतना क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बार बताइए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर वे में जवाब दे सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में। तो ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं और आप बेहतर वे में इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बच्चे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन पे अब हम काम करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला है, पहले लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है बच्चे पूरा, ठीक है। तो देखिए बच्चे किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर आधे, विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर आप क्या कर रहे हैं बच्चे, बेच रहे हैं। तो जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग मान लेते हैं उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य है, हम लोग ध्यान से देखना, हमने वास्तविक जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है उसको हम अपने से मान लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, वास्तविक क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, सीपी, ठीक है। वास्तविक जो क्रय मूल्य होगा उसको सीपी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने सीपी माना है तो सीपी को हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चे, 100, कितना मान लेते हैं 100, यहाँ तक क्लियर है। ये हम अपने से मान लिए कि वास्तविक क्रय मूल्य हमारा सीपी है जो कि 100 के बराबर है। तो क्वेश्चन बोला, यदि उस वस्तु को, यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाए और हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को क्या मान लेते हैं, जो वास्तविक में हमारा विक्रय मूल्य था, जो वास्तविक में हमारा विक्रय मूल्य था उसको हम लोग मान लेते हैं एसपी, क्या मान लेते हैं एसपी, ठीक है। ये हमारा वास्तविक क्रय मूल्य सीपी है और वास्तविक विक्रय मूल्य क्या, एसपी है, और हमने क्रय मूल्य को कितना मान लिया है, 100 मान लिया है, यहाँ तक ओके। तो क्वेश्चन बोला था कि एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर, तो आधे मूल्य पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो उसका जो नया विक्रय मूल्य होगा, देखो अभी मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए मैं स्पीड पे काम नहीं कर रहा हूँ, पहले समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। तो उसका जो नया विक्रय मूल्य है उसका आधा मूल्य है, मतलब क्या, यदि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य हमने कितना माना था ओरिजिनल एसपी, और आधा मूल्य पे बेचा जाए मतलब उसका आधा करके अब हम क्या कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, तो ये नया विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें कितने प्रतिशत की, दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होती है, 30% की, 30% की हानि होती है। तो ये बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, तो 30% की हानि होगी, मतलब उसका नया विक्रय मूल्य इस हिसाब से अगर हम देखें तो 30% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य तो उतना ही है, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमने 100 माना था तो 100 ही है। तो यहाँ पे जो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इस हिसाब से, तो 30% की हानि होती है। तो नया विक्रय मूल्य जो है बच्चे 30% के कम कर देंगे, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 30% कम करेंगे, 30% 30 होता है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है, यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब वो अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 70 हो गया, क्यों, क्योंकि 30% की हानि पर आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताइए मुझे, नया सेलिंग प्राइस क्या है, हाफ ऑफ एसपी है, क्या बच्चे, हाफ ऑफ एसपी है, जो कि कितने के बराबर है बच्चे, 70 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसपी बराबर कितना है बच्चे, 70 है, तो ये एसपी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 70 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140, कितना हो जाएगा बच्चे, 140। अब ये बताइए आपने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 माना था, तो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 140 है, और नया सेलिंग प्राइस तो बच्चे आधा था तो 70 था, ठीक है। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वास्तविक में उसे कितने प्रतिशत का वास्तविक मूल्य पर अगर वो बेचेगा तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक मूल्य कितना है बच्चे, एसपी है 140 है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है और अगर आप 140 में बेचेंगे तो निश्चित रूप से आपको कितने का फायदा होगा, 40 का। और फायदे का परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य कितना 100 है और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा बच्चे, 40% का। यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगा और ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। बच्चे क्लियर है कि नहीं है, पहले ये वाला मेथड भी बताना जल्दी से, पढ़ के देख के समझ के बताओ ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं बच्चे, विविध क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूं तुम्हारे लिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग इसका जवाब दें, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर एक दुकानदार को 60% की हानि होती है, यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो आप, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, 20% दोनों का आया जवाब, वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचने पर, तो हम लोग उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं बच्चे 100, अब स्पीड में थोड़ा करेंगे, और उसके विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, एसपी था। लेकिन अगर हम उसके 1/3 मूल्य पर बेचते हैं तो उसका जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसके 1/3 मूल्य पर बेचते हैं अगर हमें, तो हमें कितने परसेंट का नुकसान होता है, 60% का। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है तो 60% का नुकसान होना मतलब 60% कम में बेचना, तो हम कितने में बेच रहे हैं बच्चे, 40 में। तो ये 40 बराबर एसपी का 1/3 हो जाएगा, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 40 × 3 हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया, और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो पहले से ही 100 पता था आपको, तो 100 का सामान है और अगर आप 120 रुपये में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बच्चे कितने का फायदा हो रहा है, 20 का। और फायदे का परसेंट निकालना है तो सीधा सा आप निकाल सकते हैं, 20 का फायदा कितने में, 100 में, तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे, 20% का मुनाफा हो जाएगा और 20% का फायदा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सब लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग करिए, ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ। एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करता है, मतलब एक दुकानदार को प्रॉफिट होता है, क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो किस में निकालता है, सेलिंग प्राइस पे निकालता है, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 25% का, लेकिन 25% का जो प्रॉफिट हो रहा था उसने किस में निकाला था बच्चे, विक्रय मूल्य पे निकाला था, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पे निकाला था। तो आपको पूछा है वास्तविक में लाभ प्रतिशत कितने का होगा, तो आपको पता है एक्चुअल में जो प्रॉफिट होता है बच्चे, एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंट आप निकालते हैं
हमेशा बच्चे किसका निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस में निकालते हैं, सीपी में, और परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। ये चीज याद रखना, हमेशा एक्चुअल में प्रॉफिट बच्चे सीपी में निकाला जाता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25% मतलब होता है 1/4, ऊपर में प्रॉफिट है और एसपी नीचे आ जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन एसपी कितना हो जाएगा बच्चे, 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पे लिख लिए सीपी, यहाँ पे लिख लिए एसपी, और यहाँ पे लिख लिए प्रॉफिट। तो आप कितने में बेच रहे हैं सामान को, दिख रहा है आपका विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। ये बताइए खरीदे कितने होंगे, कितने में खरीदेंगे आप। तो 4 रुपए में अगर आप बेचते हैं और 1 रुपए का मुनाफा होता है, तो निश्चित रूप से आप कितने में खरीदे होंगे, 3 रुपए में। तो अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको अब दिख रहा होगा 1 का फायदा होता है और कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, इसलिए बटे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। परसेंट निकालने के लिए 200 करेंगे। और आपको ये मैंने अभी संकल्प मंत्र वाले में अच्छे से बताया भी था कि 1/3 मतलब कितना परसेंट होता है, 33 से 1/3% होता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप बेहतर वे में आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वो, साधारण क्वेश्चन था, तो उसे भी अपन ने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा अब आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे आपके सामने, अब हम लोग कहानी को और बेहतर तरीके से और आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अगला क्वेश्चन है और आपके सामने मैं दे रहा हूँ अब बच्चे, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या बोला है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है, यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी साधारण है। ट्राई करना चाहें तो एक बार आप लोग कर लें, तो उसके बाद में बताता हूँ। चलो एक बार देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चे देखते हैं कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होता है। तो यहाँ पे बच्चे उसको लॉस हो रहा था, और वो भी किसका हो रहा था, विक्रय मूल्य का। तो 10% का जो लॉस होता है ना, वो किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, ऐसा बोला है। ठीक है, 10% का लॉस होता है सेलिंग प्राइस पे। तो सबसे पहली बात, इतना देखते हुए हम इसका रेशियो बना सकते हैं। 10% मतलब होता है 1/10, और एक इसका एसपी का है। तो आप रेशियो बनाएंगे तो L अपॉन SP, लॉस और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 1/10। तो रेशियो लिखिए, यहाँ पे CP लिख लीजिए, यहाँ पे SP लिख लीजिए, यहाँ पे लॉस लिख लीजिए। तो कितने में बेच रहे हैं आप, 10 में बेच रहे हैं। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। तो खरीदे कितने का होंगे, निश्चित रूप से आप 11 में खरीद के 10 में बेचेंगे तो 1 का लॉस होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो 11 में खरीद के 10 में बेचेंगे तो 1 का नुकसान होगा। तो अब क्वेश्चन में बोला है, ये बताइए कि यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है बच्चे, 10 है। कितना है बच्चे, 10 है, और 10 को आपने कितना परसेंट कम कर देना है, 20% कम कर देना है। तो 20% अगर आप निकालेंगे 10 का, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 अगर आप कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो आपको बताना है कि वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो ओरिजिनल में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ओरिजिनल में कॉस्ट प्राइस कितना 8 ही है, 11 है, और विक्रय मूल्य कितना 8 है। तो ओरिजिनल में हमेशा बच्चे प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, तो सबसे पहले 11 में खरीद के अगर आप 8 में बेचेंगे तो आपको 3 का नुकसान हो रहा है, तो आपको नुकसान का परसेंट निकालना होगा, कितने का नुकसान हो रहा है 3 का। और ओरिजिनल में हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे 11, और परसेंट निकालने के लिए इनटू क्या कर देंगे 100। तो जो मेरी वो वाली क्लास अटेंड किए होंगे ना, कौन सी वाली, जो संकल्प मंत्र वाली, उनको पता होगा 1/11 मतलब होता है 9 सही 1/11%। तो 3/11 हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 सही 3/11%, मतलब कौन सा जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगा। बताओ बच्चे समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। अब ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे भी हम चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार और फिर करेंगे। आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है। राधा 10 दर्जन कलम को 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती हैं, और इनमें से 7 दर्जन को 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेच देती है। तो पहले एकदम आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे, बेसिक आइडियाज, ठीक है ना। देखो जो राधा रहती है वो कितने दर्जन खरीदती है, 10 दर्जन पेन खरीदती है, ठीक है, और 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है, 60 रुपया प्रति दर्जन दिया है ना। तो आप इसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, 60 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से भी, लेकिन अगर आपको ये डेटा नहीं मानना होगा तो बिना इसके भी आप इस्तेमाल करके आंसर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे आखिरी में क्या पूछा है, लाभ परसेंट। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में परसेंट पूछता है तो आप अपने से डेटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो और परसेंट बस उतना ही लेना है, अब बाकी आप डेटा जो भी दिया हो वो जबरदस्ती की बात दिया रहता है, क्योंकि वो अगर आप उसका यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। इसलिए जो डेटा दिया हो उसका नहीं यूज करके आप अपने हिसाब से अपने सहूलियत के लिए सबसे इजी डेटा लीजिए जिससे क्वेश्चन आसान होगा। तो मैं वही करता हूँ, सेम आंसर ला के दिखाता हूँ। आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला था। राधा 10 दर्जन कलम खरीदती है 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने से मान लेता हूँ, इसकी प्राइस अपने से मान लूंगा कि 1 दर्जन की कीमत कितनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा और सभी के लिए आसान होगा। एग्जाम में मेन देखो आपका समय बचना चाहिए, मेन मुद्दा ये, और इसके लिए क्या कुछ भी करना पड़े आप आसानी से करें उसे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से करते हैं कि हम 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 10 रुपए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 10 रुपए। तो हम अपने से मान लेते हैं, मान लिए यहाँ इसे 60 रुपए प्रति दर्जन दिया था ना, तो हम अपने से डेटा मान लेते हैं, तो हम 60 का यूज नहीं करेंगे, हम अपने से मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक दर्जन का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना मान लेते हैं बच्चे, 10 रुपए। 10 मान लो या 100 मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो। तो मैं क्या मान लेता हूं बच्चे, 100 रुपए मान लू कि 10 रुपए मान लू, क्या बोलते हो बोलो, हाँ 10 रुपए मान लेते हैं। चलो 1 दर्जन का कीमत कितना है, 10 रुपए, ठीक है। कितने दर्जन आपने खरीदे थे बताओ, तो टोटल 10 दर्जन खरीदोगे, 1 दर्जन का क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है, तो ये बताओ मुझे 10 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन का अगर आपका 10 रुपए है तो 10 दर्जन का कितना होगा ये बताओ, तो 10 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा। अरे यार रुक जाओ थोड़ा सा, ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा जी। 1 दर्जन का क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 10 रुपए माना है, तो ये बताइए 10 दर्जन का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो 10 दर्जन का कुल क्रय मूल्य होगा बच्चे कितना, 100 रुपया। कितना होगा बच्चे, 100 रुपया। इतना क्लियर, ठीक है, यहां तक ओके, कितना होगा 100 रुपया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 10 दर्जन का कितना होगा, 100 रुपये। अब आपसे बोला था कि 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, उसकी जगह आपने 10 रुपये मान लिया, कितना मान लिया, 10 रुपये मान लिया, और उनमें से 7 दर्जन को 7% के लाभ पर बेच दिया। 7 दर्जन को
मतलब 10 दर्जन आपने खरीदा था तो उसमें आपने कितने दर्जन को बेच दिया बच्चे? 7 दर्जन को। कितने दर्जन को? 7 दर्जन को। रुकना थोड़ा सा मार्कर में। 7 दर्जन को आपने बेचा, तो ये बताओ 7 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन का 10 रुपए है, तो 7 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपए। 70 रुपए में आपने खरीदा और कितने परसेंट के फायदे में बेच दिया? 7% के लाभ में बेच दिया, तो प्रॉफिट आपको 7% का हो रहा था। तो 7% का जो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस पे होगा, 70 पे होगा, तो 70 का 7% कितना होता है? 49 होता है, सॉरी 49 नहीं होता, ये होता है बच्चे 4.9। कितना होता है? 4.9। तो आपने 4.9 रुपया का आपको लाभ हुआ, ठीक है। 4 7/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 49/10 मतलब कितना हो जाएगा? 4.9। तो आप 4.9 रुपए का फायदा कमाते हैं, ठीक है। 100 रुपए मानते तो और इजी पड़ता, 49 आता। खैर कोई बात नहीं, आप 4.9 के हिसाब से करो। और उसके बाद फिर क्या बोला बच्चे? बचे हुए सेस को, बचे हुआ सेस मतलब कितना है बच्चे? 3 दर्जन बचा, और 3 दर्जन का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताओ? तो 30 रुपए होगा। और ये 30 रुपए के सामान को आपने कितने परसेंट के लाभ पे बेचा है? 17% के लाभ पे बेचा है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट कितने परसेंट का है बच्चे आपका? 17% का है। तो 17% अगर आप निकालेंगे, 17% का लाभ होगा, तो 17% भी क्रय मूल्य पे ही होगा। तो यहाँ पे बच्चे 30 का आप 17% निकालिए, 30 का कितना परसेंट निकालिए? 17%। तो 17/100, 0 0 कैंसिल, 17 3 51 होता है, 51/10 मतलब 5.1 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 7 दर्जन में आपने 4.9 रुपया कमाया और 3 दर्जन में आपने 5.1 रुपए कमाया, तो टोटल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ ये बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे आसानी से कि सर पहले वाले में मैंने 4.9 रुपया कमाया था, दूसरे वाले में मैंने 5.1 रुपए कमाया है, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5 4 9, और 0.9 0.1 एक हो जाएगा, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10। तो टोटल प्रॉफिट आपको 10 का हुआ था, लेकिन आपको क्या निकालना था? टोटल प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो टोटल प्रॉफिट आपको 10 का हो रहा है, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था आपका? आपने 100 लिया था, तो 100 लिखेंगे नीचे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो जब आप इसको इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 फिर से कैंसिल होगा, और कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे? 10%। मतलब आपको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है बच्चे? 10% का। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो आप देखिए होंगे मैंने 60 रुपये प्रति दर्जन का यूज नहीं भी किया तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 60 करता तो भी आंसर आता, लेकिन 60 करता तो कैलकुलेशन में क्वेश्चन के अनुसार हो जाता, जिसमें कि हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन टफ हो जाता। 60 की जगह 59 देता तो और टफ हो जाता, 57 देता तो और टफ हो जाता। इसलिए मैं अपने हिसाब से आंकड़े को मानता हूँ, कभी भी प्रतिशत निकालना होता है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कभी भी परसेंट निकालना हो या रेशियो निकालना हो तो हम अपने हिसाब से डेटा मान के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार देख लो इसको, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये बच्चे समझ में आया कि नहीं है जल्दी से बताओ। अभी भाई समझ में आया आपको? देखिए ध्यान से, रजनी को तो आ गया, वेरी गुड बच्चे। चलिए तो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें अब हम लोग और काम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सिमिलर इसी टाइप का होगा, चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का है बच्चे। देखो यहाँ पे जानबूझ के आंकड़े बड़े खतरनाक दे दिए है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। क्या बोला है? एक व्यक्ति 232 किलोग्राम चीनी को 39 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है, ठीक है, जिसमें 7/11 भाग को 5% हानि पर और शेष भाग को 17% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा मत मानो, सारे डेटा आपको केवल कंफ्यूज करेंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आप इसको कैसे करो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये 232 किलोग्राम को भी कोई मतलब नहीं है मानने का, ठीक है, और 39 रुपए को भी मानने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है? फ्रैक्शन। तो क्या बोला है? टोटल भाग का 7/11 भाग को आप 5% के हानि पर बेचते हैं और शेष भाग को बच्चे 17% के लाभ पर। तो आप एक काम कीजिए, ना तो टोटल क्वांटिटी 232 मानिए, ना तो 39 मानिए, आप अपने हिसाब से डेटा मानिए और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आइए दिखाता हूँ।
जैसे मैंने क्या किया, मैंने मान लिया जी टोटल मान लो आपके पास 11 किलो था, कितने किलो थे मतलब आपने टोटल खरीदा, टोटल क्वांटिटी जो आपने खरीदी है, मैं इस तरीके से कर देता हूँ, हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी क्वांटिटी है 11 किलो। 11 क्यों मान रहा हूँ बच्चे, क्योंकि 7/11 बोला है, कभी भी फ्रैक्शन में दिया हो तो नीचे जो भी आंकड़ा दिखे आप उसको मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे जैसे 7/11 भाग बोला है ना, तो 7/11 में नीचे क्या दिख रहा है 11, तो आप अगर इसको मानेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल क्वांटिटी को कितना मान लेता हूँ, लेट टोटल क्वांटिटी कितना था बच्चे 11 किलो। अरे यार आज थोड़ा सा ना मार्कर में दिक्कत आ रहा है, अरे यार ये पूरा रुक जाओ थोड़ा सा, काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। तो आप कितना क्वांटिटी मान लीजिए बच्चे 11 किलो। बच्चे थोड़ा सा रुक जाना यार ना, ये आज थोड़ा सा ना मेरे पेन टाइप में प्रॉब्लम आ रहा है, रुक जाओ बच्चे। सुनो ना, अभी पूरा हैंग मार रहा है सिस्टम, मैं थोड़ा सा अभी इसको कोशिश करता हूँ ठीक करने का, नहीं होगा तो मैं आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो पूरा मार्कर में दिक्कत आ रहा है, ये देखो पूरा अजीब सा हो जा रहा है, ठीक है? तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ मैं, रुकना थोड़ा सा यार, बड़ा दिक्कत ये ना, एक्चुअली क्या गर्मी आ गई है ना, तो थोड़ा सिस्टम को और ठीक कराना पड़ेगा मुझे, हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो बच्चे आज मैं इतने में ही क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है बच्चे? आज मैं एंड कर रहा हूँ बच्चे इसी में, क्योंकि क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा कल में इसको ठीक कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? आप लोग आगे क्वेश्चन करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक? थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गुड नाइट सभी बच्चों को।